का जो टाइटल ट्रैक है पिक्चर अभी बाकी है उसका ट्रैक शूट कर रहे हैं और जर्नी दिखा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की कि यू नो पिछले सालों से क्या होते आ रहा है, क्या हर एक का एक्सपीरियंस रहा है. आई एम प्लेइंग एन एक्ट्रेस इन द सॉन्ग, दैट्स द रीजन आई गेस आई एम वेयरिंग अ सारी एंड ऑल. मैं एक्ट्रेस ही प्ले कर रही हूँ उस वीडियो शूटिंग में. सो वी शूटिंग अ फिल्म इन अ फिल्म. सो आई एम प्लेइंग दिस एक्ट्रेस एंड गुंडे मेरे पास आते हैं, एक एक्शन हीरो आके मुझे बचाता है. सुनील शेट्टी इज कैरेक्टर इज द डायरेक्टर इन द फिल्म, सो ही शूटिंग द होल वीडियो. सो इट्स फन, इट्स व्हाट द फिल्म इज. ये नहीं, ये ऐसा सॉन्ग है जो एक्चुअली फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये टाइटल सॉन्ग है जिसमें आप अगर देखोगे तो चूँकि पिक्चर है और पिक्चर के अंदर एक पिक्चर है जिसकी कहानी है, तो उसमें ये जो टाइटल सॉन्ग है वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हुए सभी एक्टर्स को एक दूसरे के बीच में जो है कम्युनिकेशन मजा मस्ती के माध्यम से करने की कोशिश है और उसको फिल्मा रहे हैं सब लोग. मैं डायरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उदिता हीरोइन प्ले कर रही है, शावर है आज गाने में, शावर हीरो का रोल निभा रहा है. राजपाल जो है तो मेरा असिस्टेंट भी है. ब्लैक मार्केटिंग इसमें शुरुआत उससे करते हैं कि ब्लैक मार्केट कर रहा है, 200 में टिकट बेच रहा है वो. तो आई थिंक अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं, कोई विलन प्ले कर रहा है तो कोई कोरियोग्राफर प्ले कर रहा है. सारे जो फिल्मों में होते हैं कैमरामैन वो अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं. अन्ना क्या है, अन्ना एक एक्टर तो हैं, एक्टर के साथ में वो इतने टेक केयरिंग पर्सन हैं कि उन्होंने हमेशा अपने एक्टर्स को हमेशा सपोर्ट किया है. वो हमारे लिए हमेशा बड़े भाई का स्थान रखते हैं और रखेंगे. ये फिल्म जो है क्योंकि वो एक्टर हैं, हम भी एक्टर हैं, तो हम लोगों को साथ में काम करने का मौका मिला है. पिछली भी कई बार प्रियन जी की भी फिल्में हम लोगों ने की साथ में, और इस फिल्म में भी जब हम लोग एज एन एक्टर जुड़ते हैं तो कंप्लीट एक दूसरे एक्टिंग इंटरेक्शन करते हैं. फिरोज, ऑफ कोर्स फिरोज फारा के साथ रहा है और फिरोज ने काफ़ी गाने मेरे लिए भी कोरियोग्राफ किए हैं. मैं हूं ना में था तब असिस्ट भी कर रहा था, एसोसिएट भी था फारा का व्हेन इट केम टू डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी. फिरोज कर रहा है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है एंड यू नो गाने के तरह शूट ना करते हुए एक सीन की तरह, एक जर्नी की तरह वो शूट कर रहा है इस गाने को. पीपल का बोलना ही कि यार प्रोमोज अच्छे लग रहे हैं, यू नो कंटेंट है, और वो इसीलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आई मीन आई थिंक इंडिया इटसेल्फ सबको शोबिज में ही आना है. You know, every child wants to be an actor, director, journalist, cameraman. तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये मेरी कहानी भी है, वो स्ट्रगल मेरी भी है. आई थिंक इसीलिए खास करके म्यूज़िक रिलीज के दिन पे रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा क्योंकि आपकी जर्नी, मेरी जर्नी, कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर्स की जर्नी, सबकी कहीं ना कहीं बिगनिंग में वैसी है, इसलिए हम रिलेट करते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाई द अप्रिसिएशन. द गुड थिंग इज दैट दिस फिल्म इज रियली क्रिएटिंग अ गुड बज. आई वॉज अवे, मैं अभी 2 महीने बाद ही अमेरिका से 2 दिन पहले आई हूँ. इनफैक्ट मुझे अभी नींद आ रही है क्योंकि मेरा वहाँ सोने का टाइम है. बट आई केम हियर एंड आई सी द रिस्पॉन्स एंड आई एक्चुअली मिस द होल पार्ट क्योंकि मैं जैसे आई हूँ म्यूजिक रिलीज हो गया और मैं यहाँ नहीं थी. बट सो दे कुडंट वेट फॉर मी, बट दे वेटेड फॉर द वीडियो एंड दे आर शूटिंग द वीडियो बिकॉज आई केम बैक डे बिफोर. तो आई सडनली सी देयर इज अ ग्रेट बज एंड एवरीवन सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, सो दैट मेक्स मी हैप्पी. नहीं देखिए, आज की डेट में हंसाना और रुलाना ये अब माने नहीं रखता है. अभी क्या है, एंटरटेनमेंट ही सबसे ज़्यादा जो है शुद्ध, और शुद्ध मनोरंजन ही बाकी बचा है. अभी आप ये पहले होता था कि रुलाया जाता था, ये फिल्म रुलाने वाली है, ये फिल्म हंसाने वाली है, लेकिन आज की डेट में अभी थाट अच्छा है, थॉट एंटरटेनिंग है, वो सीरियस थॉट है या वो कॉमिक थॉट है या वो किस तरीके का थॉट है मैटर नहीं करता. उसमें मनोरंजन थॉट की ओरिजिनलिटी को लेके होना चाहिए, तो वो हम लोग कोशिश करते रहते हैं.